मुंह दिखाई की रस्म है तुम्हारी आज। ये कपड़े रखे हैं, पहनकर तैयार हो जा। यहाँ तो चंद्रग्रहण हो रखा है और तुमने तो सिर्फ पर्दा ही देखा। जाओ रुचिता बेटा, अब तुम भी जाकर इनके लिए शगुन लेकर आओ। आपकी बहू शगुन लाने गई है या बनाने? वो सब तैयार है, बस वो आती होगी। लग तो नहीं रहा। खैर, हमें वैसे शगुन का लालच तो है नहीं, बहुत देर हो रही है, तो हम चलते हैं। अरे दो मिनट रुकिए तो सही, रुचिता आती होगी। ऐसे कैसे खाली हाथ चले जाएंगे आप लोग, अच्छा नहीं लगेगा। नहीं, जाने दीजिए नीलम जी। सॉरी, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। आप लोग प्लीज थोड़ी देर रुक जाइए। आप लोगों ने इतने प्यार से मुझे शगुन दिया है, प्लीज मेरे हाथ की ये भेलपूरी खा के जाइए। इसके लिए इतना रुकवाया? इतने प्यार से लाई है बेचारी, तो खा लेते हैं ना। बैठो सब लोग। थैंक यू बेटा। वेलकम आंटी। हमने तो शगुन की मिठाइयां रखी थी, ये भेल कहां से आई? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये सब क्या हो रहा है? अरे वाह पूनम, शकल सूरत ना सही, लेकिन तुम्हारी बहू के हाथों में स्वाद भरपूर है। ऐसी भेल सालों में नहीं खाई। बाकी घरों में तो मिठाइयां ड्राई फ्रूट्स देते हैं शगुन में, लेकिन ये भेल वाला आइडिया तो बिल्कुल ही अलग है। इस भेल के साथ हमारे परिवार की तरफ से आप सबके लिए एक छोटा सा शगुन। वाकई नीलम जी, मान गए आपकी पसंद को। असल में एक जोहरी की माँ है आप, पत्थरों में हीरा पहचानना खूब जाना आपने। आपके घर में बहू के रूप में लक्ष्मी जी आई हैं। जीते रहो बेटा, तुम जैसी सर्व गुण संपन्न बहू हर घर में हो। अगली बार कभी भेल या चाट खाने का मन करे तो हम जरूर आएंगे। जी नमस्ते। वाह बेटा, आज समाज ने भी जान लिया कि हमारी बहू कितनी काबिल है। वो सब तो ठीक है, लेकिन मिठाई के बदले चांदी के सिक्के कहाँ से आए? कहीं तुमने पूजा घर से तो नहीं लिए? नहीं नहीं दादी जी, मैंने पूजा घर से कुछ भी नहीं लिया। वो मैं जब वो मिठाइयाँ लाने गई थी तो किचन में बहुत सारे चूहे थे और हाँ वैसे दीपक कह तो रहा था कि किचन में चूहे हो गए। वो मम्मी पापा और मेरे रिश्तेदार कुछ चांदी के सिक्के देके गए थे शगुन में, तो वही मैंने इनको गिफ्ट कर दिया। और भेल भी मैंने इसलिए ही बनाया था ताकि मुझे पैकिंग करने के लिए थोड़ा टाइम मिल जाए। वाह बेटा, आज तुम्हारी समझदारी ने हमारे परिवार की इज्जत बचा ली। बहू मैं इस घर की पापा जी, इस परिवार का मान रखना मेरा फर्ज है। खैर आप दोनों फ्रेश हो जाइए, मैं तब तक नाश्ता लगा देती हूँ। ठीक है बेटा। ऋतु, कल ही दीपक से कहकर पूरे घर का पेस्ट कंट्रोल करवाओ, ऐसे चूहों का घर में आना ठीक नहीं है। जी मम्मी।
रुचिता के लिए तारीफ के दो शब्द क्या सुन लिए नरेश ने कि दोबारा उसके नाम की माला जपना शुरू कर दी। जब वो औरतें उसकी सूरत पर ताना कस रही थी, हमारा मजाक उड़ रहा था, वो सब सुनता तब समझ में आता कि हमने क्या क्या झेला है। बिल्कुल सही कह रही हूँ माजिया, चांदी के सिक्कों की चमक देखकर मन बदल गया उनका। कैसे तारीफों के पुल बांधने लगी, वरना हमारी बेइज्जती करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी उन्होंने। कल पग फेरों की रस्म है, मैं खाटू श्याम जी से मांगूंगी कि ये लड़की अपने मायके में ही रह जाए, यहाँ वापस ही ना आए। सारी सब्जी और राशन मैं लेके आया हूँ, कल रुचि और निहार जी के मन पसंद का खाना बनाना। कल शादी के बाद पहली बार आ रहे वो दोनों। जी बिल्कुल। पता नहीं रुचि की मुंह दिखाई की रस्म कैसी हुई होगी, एक बार फोन करके पूछ लेती हूँ। कोई जरूरत नहीं है। बच्चे के पैदा होने के बाद जैसे उसकी नाल काटनी पड़ती है ताकि वो माँ से अपनी अलग एक पहचान बना सके, वैसे ही विदाई के बाद माँ को फिर एक बार अपनी बेटी से अपनी नाल काटनी पड़ती है ताकि बेटी ससुराल में रम पाए। ज्यादा उसकी गृहस्थी में दखल देगी तो खुद ही उसके जीवन में आग लगा देगी। माँ जी अपनी बेटी की फिक्र होती है इसलिए पूछती हूँ। माँ हो कोई दुश्मन नहीं जो अपनी बेटी की गृहस्थी में आग लगाऊंगी। कल जब वो पग फेरे के लिए आएगी तब तुझे जो पूछना है पूछ लेना, लेकिन अभी फोन मत कर। माँ और दादी ने सबके सामने रुचिता का सपोर्ट इसलिए नहीं किया होगा क्योंकि वो घर मेहमानों की बेइज्जती नहीं करना चाहते थे। फिर चाहे मेहमान घर की बहू की बेइज्जती करते रहे। प्रतीक जी आप समझ रहे हैं, मोहल्लों की औरतों ने रुचिता के चेहरे का बहुत मजाक उड़ाया, बहुत बुरा भला बोला। ये देख रहे माँ और दादी इस स्टैचू की तरह चुप रहे। उन औरतों की बातों से ज्यादा तो मुझे माँ और दादी की चुप्पी बुरी लग रही है। ऋतु समाज में रहकर समाज से लड़ नहीं सकते, वरना वो हमें चैन से रहने नहीं देंगे। जी अपनों की बेइज्जती करवा कर हम चैन से जी लेंगे, पर अपनों का साथ देकर हम समाज के खिलाफ नहीं जा सकते।